हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोनिया तिवारी। और आप सभी मुझे अब शायद जानने लग गए हैं या जानते हैं, और मैं आज आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर में, उसे जाके प्रेस कर लीजिए। और जब आप उसे प्रेस करेंगे तो एक घंटी बनी हुई आएगी, उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपके पास जाया करेंगे कि फला फला बंदी ने कोई वीडियो अपलोड किया है, तो आप मेरी कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। और आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है टोनर, कि टोनर हमारी स्किन के लिए क्यों ज़रूरी है। तो आज इसी भी टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ। मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ कि हमारी स्किन जो होती है उसका जो पीएच लेवल है उसे मेंटेन करता है टोनर। अब आप सोचेंगे पीएच लेवल कैसे, क्या मतलब कि अगर हमारा पीएच लेवल डिसबैलेंस होगा, ज़्यादा या कम होगा, तो हमारी स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि एक्नी और छोटे मोटे दाने निकल जाना। और उसके अलावा हमारी स्किन पे बहुत सारी यहाँ पे वाइट सा हो जाना, और या फिर चेहरे का ज़्यादा लाल रहना। तो ये सब होता है पीएच लेवल का डिसबैलेंस होने पे, ठीक है ना। और इसको बैलेंस करता है हमारा टोनर, जैसे कि हमें एक दिन में दो बार यूज़ करना चाहिए। हाँ, अब बहुत सारे लोगों को टोनर पता ही नहीं है। इवन मेरे जो नॉलेज में बहुत सारे लोग हैं, कभी मुझे किसी ने एक पूछा कि मेरी स्किन पे ना बहुत ज़्यादा दाने निकल रहे हैं, मैं क्या करूँ, बहुत चिपचिपी रहती है। मैंने कहा टोनर यूज़ किया करो, टोनर यूज़ करने से ये सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। तो उन्होंने कहा टोनर क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। टोनर एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा लिक्विड होता है कि जो आपकी स्किन से सारा डर्ट, पॉल्यूशन, धूल, मिट्टी, उसके अलावा जो भी इम्प्योरिटीज़ आपकी स्किन के अंदर एंटर कर जाती हैं आपके पोजेस के थ्रू, उनको अंदर से खींच के बाहर निकालता है और आपकी स्किन को क्लीन एंड क्लियर करता है, ठीक है। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन सालों साल जवा बनी रहे और साथ ही साथ बहुत ही स्मूथ रहे, और उसके पोजेस जो हैं बहुत बड़े ना हो, और स्किन के अंदर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आपके फेस पे ना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है टोनर यूज़ करना। मैं आपको बताती हूँ, कई बार क्या होता है कि हम मेकअप उतारते हैं, मेकअप करते हैं, जो लोग उनकी बात कर रही हूँ, मेकअप उतारते हैं, लेकिन मेकअप उतारने के बाद क्या किया, फेस वॉश किया और क्रीम लगाई और सो गए। तो क्या हुआ कि हमारा जो मेकअप है ना, वो आपके देखने के हिसाब से तो वो उतर गया है फेस पर से, लेकिन कई बार फाउंडेशन हमारे पोजेस में चला जाता है, और उसे अगर हम टोनर से फेस को वॉश करने के बाद एक बार फिर से क्लीन नहीं करते हैं, तो वो फाउंडेशन, वो मेकअप हमारा बाहर नहीं आता है, और जिसकी वजह से वो हमारे पोजेस को क्लॉक कर देता है, मतलब कि बंद कर देता है। जब हमारे पोजेस बंद हो जाते हैं तो हमारी स्किन जो है ब्रीथ नहीं कर पाती है, तो वो क्या करती है कि अंदर ही अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू करती है, जैसे कि फिर जब वो छोटे मोटे से दाने निकलने शुरू हो जाते हैं और एक्ने की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। टोनर हर स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ड्राई स्किन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल स्किन के लिए भी, और ऑयली स्किन के लिए तो मस्ट है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन पे ज़्यादा ऑयल क्रिएट होता है, ज़्यादा पसीना आता है, तो बहुत ज़रूरी है आपका टोनर यूज़ करना, क्योंकि ऑयली स्किन पे पिंपल्स का आना बहुत नॉर्मल होता है। धूल मिट्टी पॉल्यूशन जो भी, अगर हम अगर मैं घर में भी रहती हूँ और मैं जाके अपनी बालकनी में आधा घंटा या 15 मिनट खड़ी हो गई, तो जितना भी डर्ट था वो मेरी स्किन पे ना चिपक गया, क्योंकि मेरे को पसीना ज़्यादा होता है या ऑयल ज़्यादा क्रिएट करती है मेरी स्किन, तो उसमें वो स्टिक हो गया। अब जब वो चिपक गया और उसे मैं सिर्फ फेस वॉश करके निकालूंगी, तो वो हो सकता है ऊपर से मुझे ऐसा लगे कि मेरा चेहरा साफ़ है, लेकिन एक्चुअली में वो साफ़ नहीं है, क्योंकि वो धूल मिट्टी मेरे पोजेस के अंदर जा चुकी है। उसको निकालना पड़ेगा हमें टोनर का यूज़ करके। मार्केट में बहुत सारे टोनर अवेलेबल हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कोई भी जो केमिकल फ्री टोनर हो या फिर अल्कोहल फ्री टोनर हो। अल्कोहल जिस टोनर में होता है वो टोनर वर्क तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन अल्कोहल हमारी स्किन को बहुत ड्राई बना देता है, और साथ ही साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसकी वजह से भी हो जाती हैं। तो ऑलवेज मैं जो रेकमेंड करती हूँ, मैं आयुर्वेदिक की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हूँ, तो मैं आपको, अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, तो मैं आपको रेकमेंड करती हूँ बायोटिक का बायो कुकुम्बर टोनर जो है, ये भी बहुत अच्छा टोनर है। अगर आपकी स्किन ड्राई, नॉर्मल और ऑयली स्किन है, ये वैसे है नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए, लेकिन मेरी स्किन ड्राई है और फिर भी मैं इसे यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा, बहुत डिसेंट वर्क करता है मेरे ऊपर ये। और इसका प्राइस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इसका प्राइस है 175 रुपीज़, ठीक है। और
ये आपको बहुत रिजनेबल प्राइस में एक आयुर्वेदिक टोनर है ये, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे ना, थोड़ा सा आगे और एक अच्छे टोनर की तरफ जाना चाहते हैं, तो मैं ऑलवेज ऑलवेज आपको रेकमेंड करूँगी, जो मैं खुद यूज़ करती हूँ वो है प्लम का ग्रीन टी टोनर। इसका मैं किसी चीज़ से, किसी भी टोनर से मैच नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा इतना फेवरेट टोनर है ये। ये सबसे पहली चीज़ तो ये मेरी स्किन के पोर्स को बहुत जेंटली क्लीन कर देता है, सारी डर्ट मिट्टी पॉल्यूशन मेकअप सब कुछ निकाल के बाहर कर देता है, और साथ ही साथ मेरी स्किन को बहुत स्मूथ बनाता है, मेरी स्किन को टाइट करता है ये, मुझे मेरी स्किन को मिनिमाइज करता है, मेरी स्किन की पोर्स को ये मिनिमाइज करता है लेकिन क्लॉग नहीं करता है, जिसकी वजह से मुझे पिंपल्स की प्रॉब्लम कभी नहीं होती है। मैं ऑलमोस्ट एक साल से भी ज़्यादा हो गया यूट्यूब पे मुझे वीडियोस बनाते हुए, और आपने कभी मेरे फेस पे पिंपल नहीं देखा होगा। तो रीज़न ये है कि मैं अपनी स्किन की जो क्लिनजिंग है वो बहुत अच्छे से करती हूँ, टोनिंग है वो बहुत अच्छे से करती हूँ, ताकि मेरी स्किन पे इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा ना आए। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, तो आज से ही स्टार्ट करें यूज़ करना टोनर। मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट और है, वो है ये कि इस तरह का कोई भी टोनर आप यूज़ ना करें। ये है आयुर का स्किन टोनर जिसमें लिखा हुआ है हर्बल, बट गाइज मैं जब इसे अप्लाई करती हूँ अपनी आइज़ के पास या फिर अपने फेस पे, तो मेरी अगर मेरा फेस कहीं से भी कोई स्क्रैच लगा हुआ है, लाइक कभी चूड़ी से लग जाता है, कभी नेल्स से लग जाता है, या फिर अपनी आइज़ के आसपास यूज़ करती हूँ, तो ये मुझे बहुत जलन करता है, मेरी आँखों के आसपास ठंडा करता है लेकिन बहुत जलन करता है, इवन थोड़ी देर तक तो मैं आंखें भी खोल नहीं पाती हूँ। तो इस तरह का प्लीज़ कोई टोनर यूज़ ना करें। इसका रेट सिर्फ 50 रुपीज़ है, 50 रुपये है, या आई थिंक 45 रुपीज़ है जी, 45 रुपीज़ है, सिर्फ 45 रुपये का है। लेकिन ये नहीं, अगर आप अपने चेहरे के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस तरह का टोनर यूज़ ना करके हमेशा आयुर्वेदिक और अल्कोहल फ्री टोनर की तरफ ही जाएं। और बताना चाहूँगी मैं आपको, वो ये है कि टोनर को सही तरीके से कैसे अप्लाई किया जाए। तो उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, कोई कॉटन लेना है या फिर कॉटन पैड लेना है। मेरे पास कॉटन पैड नहीं होता, मैं कॉटन का यूज़ करती हूँ। कोई भी कॉटन लीजिए, उसको स्ट्रेच कर लीजिए अच्छे से, उसके ऊपर टोनर की 4-5 बूंदें डालिए, और उसके बाद उसको अपनी पूरी स्किन पे इस तरीके से आपको डैप करना है, ठीक है। आई होप मेरा ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको समझ में आया होगा कि टोनर हमारी स्किन के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, और हर स्किन टाइप को टोनर यूज़ करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन सालों साल जवां बनी रहे इसके लिए, ठीक है। और CTM में टोनर ऑलवेज इंक्लूड रहता है। अगर आपको CTM के बारे में नहीं पता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, हो सकता है कि आपके लिए वो हेल्पफुल रहे। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। हाँ, उसके पहले मैं आपको प्लम का जो ये ग्रीन टी का टोनर है, और ये अल्कोहल फ्री है, ये आयुर्वेदिक है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, खीरे से बना हुआ है, और ये ग्रीन टी से बना हुआ है, ये अल्कोहल फ्री है, और ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए, बट मेरी स्किन ड्राई है और मेरे ऊपर भी बहुत डिसेंटली वर्क करता है ये। इसमें 200 ml प्रोडक्ट मिलता है आपको, और ये इसका जो प्राइस है वो है 390 रुपीज़ जी, 390 रुपये का मिल देगा आपको मार्केट में। ये आपको ऑनलाइन बहुत अच्छे से दोनों ही टोनर अवेलेबल हैं, मिल सकते हैं। आज का ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसके नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। अभी के लिए बाय।